कई कई लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पर उंगलियां उठाते हैं कि भगवान स्त्रियों के साथ में नाचे, ये कैसी लीला है। अगर इस लीला में थोड़ा सा भी कुछ द्वेष होता, दोष होता, तो चंद्रमा के सामने इस लीला को श्री कृष्ण नहीं करते। लोग तो भगवान श्री कृष्ण की चीर हरण लीला पर भी उंगलियां उठाने लग जाते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के चीर चुराए, ये कैसी लीला है। लेकिन सभी ध्यान देना, जिन गोपियों के भगवान ने चीर चुराए उनकी उम्र क्या थी। सुखदेव जी महाराज उन्हें कुमारिका कह रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। कुमारिका कहा है सुखदेव जी महाराज ने उन्हें। कुमारिका किसे कहते हैं। व्याकरण में अल्पार्थक कन सूत्र से कन प्रत्यय होकर के कुमारिका शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अल्प उम्र, कम उम्र, यानी कि उनमें से कोई 5 वर्ष की गोपी है, कोई 6 वर्ष की गोपी है, और भगवान श्री कृष्ण की उम्र क्या है। भगवान श्री कृष्ण की उम्र क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तब थी उनकी उम्र 7 वर्ष। लेकिन ये चीर हरण की लीला गिरिराज धरण की लीला से भी पहले की है, तो लगभग 6-6.5 वर्ष के हैं श्री कृष्ण, और वही 5-6 वर्ष की हैं वो गोपियां। और 5-6 वर्ष के बालक तो महाराज गलियों में नंगे घूमते रहते हैं, वो तो निर्विकार होते हैं, विकार को जानते भी नहीं है। उन छोटे बालकों को क्या दोष देना, वो तो निर्विकार रहते हैं, विकार जानते भी नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीलाओं को गलत दृष्टि से क्यों देखते हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गोपियों के चीर चुरा लिए तो उनको बदनाम कर दिया, लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपके बालक तो लगभग प्रतिदिन चीर चुराते हैं, बार बार चीर चुराते हैं, तो उन्हें कोई बदनाम क्यों नहीं करता। बालक चीर कैसे चुराते हैं, चीर माने कपड़े, कपड़े चुराना। तब एक बात बताइए, पलंग पर बिछे हुए चादरों को खींच करके नीचे कौन गिरा देता है, बाहर कौन फेंक देता है। आपके 5-6 वर्ष के छोटे छोटे से बच्चे, क्या इसे आप चीर हरण मानोगे, नहीं मानोगे। अलमारी में से मां की साड़ी को बाहर निकाल करके कौन फेंक देता है, छोटे छोटे से बच्चे, तो क्या इसे आप चीर हरण मानोगे, नहीं मानोगे। तकियों के जो कवर होते हैं उन्हें फाड़ फाड़ करके बाहर निकाल करके बच्चे फेंक देते हैं, क्या इसे चीर हरण मानोगे, नहीं मानोगे। तो फिर मेरे नन्हे से कन्हैया में विकार पैदा क्यों कर रहे हो। आज राधा और कृष्ण को लेकर के लोगों ने इतने गंदे गंदे रसिया बना डाले हैं जिन्हें सुनने में भी शर्म लगती है। लेकिन ध्यान रखना, राधा जगत की माता है और कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग श्री कृष्ण और राधा पर गंदे गंदे रसिया गाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो वो समझ जाना कि वो अपने ही माता पिता के बारे में बोल रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।